मैंने बनाई है मजेदार सी स्पाइसी सी फ्रूट चाट। ये रमजान की रेसिपी है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ रमजान की फ्रूट स्पेशल चाट। इस रमजान शुरू हो चुका है तो रमजान की डिशेज जो है वो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ। मैं पहले बहुत सी फ्रूट चाट बनाऊंगी, लेकिन मैंने सोचा मैं आपके साथ जो शेयर करूँ वो हो स्पाइसी फ्रूट चाट, क्योंकि बच्चे ज्यादा मीठा पसंद नहीं करते, कुछ लोग चटपटा पसंद करते हैं, तो इसलिए स्पाइसी सी फ्रूट चाट बना रही हूँ। उसके लिए जो मैं चीजें ले रही हूँ मैं आपको बता देती हूँ। दो प्याले मैंने खरबूजे लिए हैं, एक प्याले मैंने सेब लिया है, एक प्याले मैंने केले लिए हैं, एक प्याले मैंने गरमा लिया है, एक प्याले मैंने पाइनएप्पल लिए हैं, 3 से 4 टेबल स्पून मैंने चीनी ली है। जितनी आप मीठा पसंद करते हैं आप उसके हिसाब से ले सकते हैं, जैसे ज्यादा मीठा पसंद करते हैं ज्यादा मीठा डाल लें। अगर जैसे आम आएगा आगे सीजन में तो आम आएगा तो आप उसके हिसाब से भी चीनी आप कम कर दीजिएगा। अभी आम मैं नहीं डाल रही तो इसलिए मैं 5 से 6 टेबल स्पून उसमें चीनी शामिल कर रही हूँ। इमली ली है मैंने आधी प्याली। चले शुरू करती हूँ मैं अपनी रेसिपी स्पाइसी फ्रूट चाट की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करती हूँ मैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले मैं बोलों में सारे जो मेरे फ्रूट्स हैं वो मैं डाल दूंगी। आपके पास जो फ्रूट्स अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं, जिसको जो पसंद हो वो ऐड कर सकता है। लेकिन खरबूजा जो है, तरबूज जो है वो मत शामिल कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मीठा होता है, वो अलग से आप खा सकते हैं। अब मैं इसमें सेब शामिल कर दूंगी। और लास्ट में मैं पाइनएप्पल शामिल कर दूंगी। इमली शामिल कर दूंगी। और चीनी शामिल कर दूंगी, जो मैंने ली है 5 से 6 टेबल स्पून चीनी। तमाम चीजें शामिल करने के बाद मैं इसको मिक्स कर लूंगी। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कीजिएगा ताकि जो हमारी जो इमली है वो हर फ्रूट्स में लगे। फ्रूट्स आप वो लीजिएगा जो लेस देते हैं फ्रूट्स में। मैंने इसमें खरबूजा शामिल किया है, आपके पास अगर अमरूद हो तो आप वो डालिएगा, उससे भी बहुत मजे की बनती है फ्रूट चाट। फ्रूट चाट को मैंने मिक्स कर लिया है। फ्रूट चाट को आपने 3 से 4 घंटे के लिए अच्छे फ्रिज में रखना है ताकि फ्रूट जो है वो लेस छोड़ दें। अब मैं इसे सर्विंग कप में निकाल लूंगी। ये फ्रूट चाट आप जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि जब आपने ये ट्राई किया तो ये आपकी कैसी बनी। मजेदार सी हमारी स्पाइसी फ्रूट चाट तैयार है, आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा जब आपने ये ट्राई की तो ये आपकी कैसी बनी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।